हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीसी। जैसे आपको पता है कि चारों जीएस के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं फॉर यूपीएससी मेंस 2022 एंड इन दिस वीडियो वील एनालाइज कि पेपर कैसे थे, कहां से क्वेश्चन आए और क्या आपकी स्ट्रैटेजी चाहिए सो दैट यू कैन इंप्रूव योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी मेंस 2023। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सारे क्वेश्चंस एनालाइज करोगे तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ऑन एवरी टॉपिक, जो कि 2 से 3 पेजेस है, जिनको रिवाइज करना आसान होता है, उनको पेपर बहुत ईजी गया है। स्पेशली जीएस 1, 2, 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। सो हम इससे ये सीख सकते हैं कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, हर एक टॉपिक्स पर अगर आपने नोट्स बनाए हैं, खुद के नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, किसी और के, किसी टॉपर्स के नोट्स या फिर किसी शॉर्ट नोट्स को पढ़ना, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो इट गोज डायरेक्टली इनटू योर ब्रेन एंड बिकम्स वेरी इजी टू रिवाइज। सेकेंडली, अगर आप इथिक्स का पार्ट देखते हो तो पेपर लेंथी था। जो भी सिंपल टर्म है उसको यूपीएससी ने एक्सप्लेन किया था और उससे क्वेश्चन पूछे थे। सो इट्स नॉट दैट द पेपर वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज लेंदी, क्वेश्चंस बड़े थे, टाइम डिसाइफर करने में डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन किसके लिए डिफिकल्ट था? जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है एथिक्स में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, हर एक टॉपिक का डेफिनेशन आपके पास है, अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम्पल्स है, उसका क्या इंपॉर्टेंस ये आपको पता है, देन द पेपर वॉज रिलेटिवली इजी। नेक्स्ट इज, जब मैंने स्टूडेंट्स से डिस्कस किया तो एक चीज नोटिस की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर लेंदी लगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के 1 से 2 क्वेश्चन मिस हुए। आई वुड लाइक टू टेल यू, पेपर लेंदी नहीं था। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि ऑन द स्पॉट सोचते हैं। यूपीएससी का पैटर्न ऐसे हो चुका है कि हर एक टॉपिक पर आपके पॉइंट्स ऑलरेडी आपके ब्रेन में चाहिए। जो भी अपस्ट्रीम इश्यूज है, डाउनस्ट्रीम इश्यूज है विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग, हर एक टॉपिक पर आपके चीजें रेडी चाहिए, तभी वो पेपर में जल्दी से रिकलेक्ट होगी, आप पुट डाउन करोगे पेपर में। ऑन द स्पॉट सोचना और फिर लिखना, पेपर छूटेगा अगर आप ऐसे करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज आपके ब्रेन में चाहिए, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट अ टॉपिक आपके ब्रेन में चाहिए। यू शुड हैव रिवाइज्ड इट, यू शुड हैव थॉट अबाउट इट, देन ओनली यू कैन राइट विद अ स्पीड एंड राइट अ गुड आंसर। नेक्स्ट इज, अगर आप जीएस 1 का पेपर देखो तो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर एंशिएंट इंडिया, जो स्टूडेंट्स का ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनको जीएस 1 ईजी गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो इस साल, एंश्योर कि आप मेंस के लिए जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, वो भी बहुत अच्छे से कवर कर लो। ज्योग्राफी का पार्ट एंश्योर दैट मेंस पर्सपेक्टिव भी आप क्लियर कर लो तभी जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स और मेंस का टाइम में आपको टेस्ट सीरीज लिखना होता है, ऑप्शनल पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, तो आप उसको निग्लेक्ट करते हो। एंड इसलिए आई वुड सजेस्ट कि मेक श्योर कि जब आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट इज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा जो संकल्प बैच था फॉर 2022 या इवन 2023, इट वॉज अ सुपर हिट बैच। I would like to tell you 60-70% questions mains mein were from Sankalp batch. You can ask any of your students. And is batch mein we ensured ki aap har ek topic par soch pao. We developed the process of brainstorming and because of it student could answer any question. Aap reviews telegram par dekh sakte ho bachcho ke, या फिर किसी आपके दोस्त ने join किया है संकल्प batch तो उनका आप review ले सकते हो कि how संकल्प batch helped them. यू वुड नॉट बिलीव कि बच्चों का फियर निकल गया है अबाउट राइटिंग आंसर्स, दे कैन थिंक ऑन एवरी टॉपिक, क्योंकि हम हर एक क्लास में आपको सोचने को मजबूर करते हैं। वी एंश्योर दैट हर एक टॉपिक पर हम सिखाएं, आप उसके नोट्स बनाओ। हर एक बच्चे के 2 पेजर नोट्स बने हैं, यू वुड सी इन द वीडियो कि किस तरीके से बच्चों के नोट्स बने हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम का टॉपिक हो गया या जो भी जी एस 3, जी एस 2, जी एस 4 के जो भी टॉपिक्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं एंड उन्होंने वो नोट्स को रिवाइज किया है, बहुत बार रिवाइज किया। हर एक टॉपिक पर उनके पास डेटा था, डायग्राम से एग्जाम्पल थे, जिस वजह से देखो complete the paper and you won't imagine the kind of response we have got post mains examination. Bahut sare bachcho ke call aa rahe ki sir that Sankalp batch help. So I would suggest before joining a 1-year test series where you will be wasting 30-40,000 rupees, इन दिस बैच, संकल्प बैच में हम पहले कंटेंट पर काम करते हैं, आपके हर एक टॉपिक पर 2 पेजर नोट्स बनवाते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर पर सेशंस होता है बाय यूपीएससी टॉपर, जहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आंसर बनाना है, एंड लास्ट पार्ट में टेस्ट सीरीज एंश्योर करते हैं। तो ये एक कॉम्प्रेंसिव अप्रोच है, आपके नोट्स बनेंगे, आप डेली आंसर राइटिंग करोगे, स्ट्रक्चरिंग सीखोगे एंड टेस्ट सीरीज लिखोगे। हमारा 7th बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 27th, दिस वुड प्रॉबेबली बी द लास्ट बैच। आई वुड सजेस्ट जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, दिस इज द लास्ट चांस टू join the Sankalp batch. Take a review from your friends before joining the batch. Hopefully this video helps you and you take the right steps.
एक ही चीज बोलूंगा, नोट्स रेडी रखो एंड डेली आंसर राइटिंग करो, तभी सिलेक्शन होगा। सिर्फ डेली आंसर राइटिंग विदाउट नोट्स इज वेस्टेज, क्योंकि जब आपके नोट्स रेडी होते हैं तो यू कैन रिवाइज फास्ट, यू कैन रिकलेक्ट फास्ट, यू कैन राइट फास्ट, यू कैन पुट कंटेंट। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरिंग, कैसे डिसाइफर करना है क्वेश्चन को एंड कैसे पॉइंट्स में लिखना है, दैट इज द इजिएस्ट पार्ट। लेकिन पहले कंटेंट चाहिए, जो पूछा है उस पर आपके पास कंटेंट नहीं है, नो मैटर हाउ मच आंसर राइटिंग यू डू, दैट वुड बी वेस्टफुल। तो आई वुड सजेस्ट एंश्योर दैट आपके नोट्स बने हैं बिफोर प्रिलिम्स का आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नोट्स बना के एंश्योर कर लो बोथ फॉर जीएस एंड ऑप्शनल पेपर। जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ रहे हो ना, नोट्स बना के रेडी रखो, दैट इज द आउटकम व्हाट आई हैव रियलाइज फ्रॉम दिस ईयर्स मेंस पेपर। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आपको संकल्प बैच के बारे में और जानना है कि हाउ इज द प्रोसेस, क्या डेमो लेक्चर्स है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। थैंक यू। हाय, दिस इज अंजलि श्रोत्रिया। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 44 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 2021। I've been associated with Sudarshan Lodha sir and I've been a part of Sankalp mains program at Target UPSC. The important part in the Sankalp mains batch was that we were given a dedicated mentorship under the direct guidance of sir, and he was always available 24/7 for any doubts to us. The most important part of Sankalp mains batch was the brainstorming sessions that we had. In every class of around 2 hours, at least for 1 hour, after a particular question or theme was given to us, we used to brainstorm over 6 to 7 themes or questions being asked to us. Usse ye hua ki I was able to think on the spot. I was able to generate points even for those topics that I was not that I had not read previously. Secondly, I was prepared for mains in the sense that if there's a question which is out of box, मैं उसको बहुत अच्छे से लिख पाऊंगी, बिकॉज आई नो द आर्ट ऑफ ब्रेन स्टॉमिंग ऑन द स्पॉट। सो आई वॉज एबल टू जनरेट एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट्स ऑन द स्पॉट अगर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक मैंने नहीं भी पढ़ा है। थर्डली, हमें संकल्प में इंटरलिंकेजेस ऑफ टॉपिक्स भी बताया गया था, दैट इन GS1 कैसे मैं GS3 GS4 को इंटरलिंक कर सकती हूँ, कैसे हर क्वेश्चन में एक एथिकल डायमेंशन लाकर आई कैन इंक्रीज माई हाफ मार्क्स ऑल्सो। सो दैट वॉज ऑल्सो टोल्ड टू अस इन द संकल्प बैच इट्सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, GS3 में द सिलेबस इज सो ह्यूज कि अगर मैं हम खुद से नोट्स बनाने बैठे, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो संकल्प मेंस बैच में GS3 में फॉर एवरी टॉपिक सर ने हर टॉपिक के 1-1 पेज, 2-2 पेज नोट्स बनवाए थे, सारे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, ARC की, नीति आयोग की, एवरीथिंग वॉज कंपाइल्ड इंटू 2 पेजेस वेरी सिस्टमैटिकली, एंड आई जस्ट हैड टू मेमोराइज दैट एंड रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जामिनेशन। सो इट हेल्प मी अ लॉट इवन फॉर माई GS3 प्रेपरेशन। एंड GS4 में जो हमारा मेन्स बैच में था, वी वर गिवन हर एक टॉपिक विच इज़ मैंशन इन GS4 इन एथिक्स, वी आर गिवन अ सेपरेट डेफिनेशन, डायग्राम्स, कोटेशंस, केस स्टडीज। सो दैट हेल्प मी इम्प्रूव ऑन माई कंटेंट। मैंने बहुत सारे एथिक्स में भी डायग्राम्स बनाए जो कि मैंने डायरेक्टली सर के हैंड रिटन नोट्स से ही उठाए थे। सो दैट हेल्प मी गेट अ वेरी गुड स्कोर। सो आई थिंक अगर आप एक डेडिकेटेड और एक फोकस्ड प्रेपरेशन लैक कर रहे हैं मेंस में, सो दैट वॉज द केस विद मी एंड आई ज्वाइन संकल्प एंड इट गेव मी अ वेरी गुड डिरेक्शन इन दैट सेंस। पर्टिकुलरली फॉर GS3 एंड GS2, संकल्प मेंस बैच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन द सेंस दैट GS2 में वी ऑलवेज थिंक दैट इट्स द डायनेमिक पार्ट विच इज़ द मोस्ट डोमिनेंट एंड वी रन आफ्टर करंट अफेयर्स इन GS2। But after I was a part of Sankalp batch and Sudarshan sir told me that it's mostly static when you see the paper, and I also felt the same. There are questions of precedent, ordinances, governor. So ye questions wo hote hain jo hum nahi padhte hain after prelims, because we never revise Lakshmikant, because we are always running after some current affairs. This time also I remember there was a question on Legislative Council and many of my friends were not even able to remember the article of Legislative Council. सो संकल्प मेन्स बैच में एक प्रॉपर बैलेंस था बिटवीन स्टैटिक एज वेल एज द डायनेमिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस। Hello UPSC aspirants, welcome to Target UPSC. Are you planning to join any mains test series? I would request you to watch this complete video before making any decision. As all of you know, the test series forms an important pillar of mains preparation. But before jumping on the test series, you have to ask, have you analyzed every topic of the syllabus? Have you brainstormed over every topic? Have you made notes on every topic of the syllabus? Have you practiced daily answer writing? And then the last phase is test series. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट द थरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, विदाउट मेकिंग हैंड रिटन नोट्स, डायरेक्टली जंप ऑन टू द टेस्ट सीरीज। वो एक दो टेस्ट देते हैं, कम नंबर आते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे डू नॉट राइट मोस्ट ऑफ द टेस्ट। बट द रियल प्रिपरेशन फॉर मेंस इज नॉट जस्ट टेस्ट सीरीज और राइटिंग आंसर, बट द प्रोसेस बिहाइंड इट।
So to solve this problem holistically, Target UPSC have brought out a holistic program where we are not just focusing on test series, but on the entire process of mains preparation. So to tell you in details about our Sankalp Integrated Mains Program 2023, first thing what we are going to do is we are going to brainstorm on every topic of the syllabus. We'll make you think on the topic. After that, what we do is we would teach that topic in a crisp format, ensuring that on every topic you have the right content, right diagram, right example, right data, and also teach you to how to interlink topics. To give you an example, reason for poor parliamentary functioning is degrading value. So you are linking GS2 to GS4. So is tarike ke linkages hum sikhayenge. After that, what you do is you make your own handwritten notes in the class itself. If you analyze all the UPSC toppers, one thing you will find in common is they have made their own handwritten notes because it's very too easy and very easy to remember. And through this process, what we ensure is koi bhi question aaye, you would be able to interlink between different subjects and get the right content for the right question. After this, what we have is we have daily answer writing sessions where we give you 2 to 3 questions to practice. And after every 15 days, we take a test which would be thoroughly evaluated and there would be personal guidance. Apart from this, what we ensure is you maintain consistency with respect to your mains preparation. What we do is we give you a personalized timetable, tracking sheets. We have a monitoring call every week so that you are motivated and we keep a track on your preparation. And every 15 days, what you have is a mentorship call where we'll be giving personalized suggestions to improve your answers. So in this program, what we're going to have is brainstorming on every topic, developing your own handwritten notes, focusing on structuring of answers, daily answer writing, and test series. So this is the most holistic approach. So after this program, you will be able to generate points on every topic, you will be able to structure every question, and you would be able to write the most holistic answer. The batch starts from 13th of June. We are only going to take 100 students for this batch. If you are serious about mains preparation, then only join this important batch. Hope to see you in the batch. Thank you.